नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर जो मैंने आपको बहुत पहले भी एक वीडियो के माध्यम से सूचित किया था, लोक सेवा आयोग ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिए हैं आरओ को लेकर के, और साथ ही साथ आज उसकी पुष्टि उसने विज्ञप्ति के माध्यम से किया है। आज विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। तो आरओ का जो एग्जाम रहा, वह एग्जाम पहले आप दो पेपर में देते थे, प्रथम प्रश्न पत्र जीएस, द्वितीय आप हिंदी, अब दोनों एक साथ संयुक्त तो आपका पेपर होगा, यानी 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और उस 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होंगे। अभी ये जो परीक्षा है, ठीक है, अभी तक आप सारे लोग जो है जिस हिसाब से पेपर देते थे, जिस हिसाब से आपकी रणनीति होती थी कि भाई सामान्य अध्ययन, इसने क्या किया है कि प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव कर दिए हैं और अब प्रश्न पत्र का नाम क्या होगा, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी होगा और वही एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। प्रश्नों की संख्या जो होगी, ठीक है, वह जब हम बात करते हैं प्रश्न पत्र तो एक होगा, पहले 2 प्रश्न पत्र होते थे और इसमें टोटल जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 200 होंगे। सामान्य अध्ययन के 140 प्रश्न होंगे और हिंदी के 60 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। अब आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का एक साथ दिया जाएगा, पहले 2 घंटे और 1 घंटे का टाइम, अब आपको प्रॉपर 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में आपको 200 प्रश्न करने होंगे और साथ ही साथ यह भी लिखा गया है कि जो आपकी अन्य परीक्षाएं हैं उनके पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं है, बस परीक्षा पैटर्न में बदलाव हो चुका है। तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी, जो लोग जो है लगातार इस परीक्षा में लगे हुए हैं तो अपनी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा बदलाव लाइए, क्योंकि पहले होता था कि मान लीजिए ये चीज होती थी कि हम 90 क्वेश्चन जो है फर्स्ट पेपर से अचीव कर रहे, 50 क्वेश्चन सेकेंड से कर रहे, तो 140 का स्कोर। अब आपको यह नहीं है कि पहला गड़बड़ हुआ तो दूसरे में, दोनों एक साथ है तो आपको एक कहीं ना कहीं एक प्लस भी पॉइंट है और माइनस भी पॉइंट है, दोनों चीजें एक साथ है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, संस्था के द्वारा लगातार आपको 8 PM पर क्लासेस दे जा रही है, जिसमें आपको जीएस की हिंदी की क्लासेस चलती है, उन क्लासेस को आप करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिए और सारी चीजें आपकी आज कन्फर्म हो चुकी है तो वह चीज देखते रहिए। कोई अन्य भी जानकारी होगी तो इसके संबंध में आगे आपसे पुनः मिलूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।